ਸਾਰੀ ਗਊ ਕਸਾਈਓ ਆਥੇ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬਤਾਊਂ ਇਹ ਰਮਰਣ ਨਾ ਹੋ ਲਿਓ ਪਿਆਰ ਆ ਲਿਆ ਜਾਟ ਜ਼ੁਲਾਣੀ ਆਲਾ तुम क्या समझते हो उस गौ माता को? तुम्हें नहीं पता कौन कौन इसे न पूजा है, किस तरह से नंबर एक पावरफुल जात, क्या कहता क्या होता बोला ब्रह्मा विष्णु शंकर तकने ब्रह्मा विष्णु शंकर तकने ब्रह्मा विष्णु शंकर तकने गौ माता को पूजा तम मार मार के बेचो खाओ पाप कसूता दूजा एर गौ अत्यात बड़ गरज गमै पाप नहीं से दूजा यो अर फूल सच्चा हिंदू से जो धर्म की खातिर जूझा रे धन्यवाद। विजयपाल एक्स सरपंच साहब खेड़का निवासी 200 रुपए से गौ माता के वजन पे मान सम्मान हौसला बजाई करते हैं। सरपंच साहब का हृदय गहराइयों से धन्यवाद करते धन्यवाद। नू बोलिया तुम काटते हो और खाते हो, इवनू देख लो इस हिंदू का तुम्हारे साथ क्या नाता है, किस तरह से नंबर दो पे क्या दर्शाया। अरे गौ माता ते गौ माता ते पैर करया रे गौ माता ते पैर करया रे इब पैर देख लो हिंदू का गौआ के नाम का जहर करया इब जहर देख लो हिंदू का हर मोरे धर्म पे कर करया इब
पैर देख लो हिंदू का अणबोल जीव पे अणबोल जीव पे फैर करिया इब फैर देख लो हिंदू का बोल जीव पे फैर करिया और फैर देख लो हिंदू का जन्नत ना तुम्हें दोचक जाइयो इसका फैसला ऊपर जाकर होगा, ये झूठ है, जो कुछ भी यहीं पर है। नु बोला भाई आड़े इंसाफ होगा, कहते तमनु सोचते हो ऊपर जाके इंसाफ होगा। नंबर तीन पे कवि ने क्या दर्शाया, क्या बता बोला देखा यही पाप और धर्म तुले इसी जन्म के कर्म के बल से जग में सुर्ग और नरक मिले। इतना फर्क है बताया जा जब पाप धर्म की बही खुले। अरे सो पापा के अरे सो पापा के बदले मैं एक गौ सेवा का धर्म फले। सो पापा के बदले मैं एक गौ सेवा का धर्म फले। और धरती पे चले धर्म का दरिया धरती पे धर्म का दरिया और बह पाप का ना सेवा। नंबर चार पे क्या दर्शाया
पार उतर जा। आजाद सिंह कहे पार उतर जा। जो सेवा करते और कौआ की अगले पछले जन्म सुधर जा। जो सेवा करते कौआ की अरे नाम जगत में रोशन कर जा। जो सेवा करते कौआ की अरे आप पाप ते दूर दिखर जा। जो सेवा करते कौआ की आप पाप ते